प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीचर्स अवार्ड विनर से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों ने अपने अनुभव के बारे में बताया और साथ ही पीएम मोदी ने भी अपने बचपन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल के शिक्षक मुझसे आग्रह करते थे कि मैं राजा जी द्वारा लिखी गई रामायण को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करूँ। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को स्थानीय लोक कथाओं को अपने पाठों में शामिल करने और छात्रों को संस्कृतियों से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम ने कहा कि आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने में टीचर्स का अहम योगदान है। मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी चर्चा की। इस दौरान तमिलनाडु के से आई टीचर एक कहा कि उनके इलाके में कई लोग लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। इस पर पीएम ने कहा कि हमारे बीच तो यही भ्रम है कि तमिलनाडु में सब इंग्लिश जानते हैं, इसलिए नई नीति शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया गया है। महोदय, एक संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा यह सपना था कि मैं बच्चों को भारत की उस संस्कृति से अवगत कराऊं, जो हमारे उन समस्त संस्कारों का बोध कराती है जिनके माध्यम से हम अपने मूल्यों जीवन आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने बच्चों की रुचि संस्कृत में उत्पन्न कर इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाया और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा कि जब आप संस्कृत भाषा के प्रति उनको आकर्षित करते हैं, उसके द्वारा उसको एक ज्ञान के भंडार की तरफ ले जाता है जो हमारे देश में पड़ा हुआ है, क्या कभी इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक क्या है जो एक संस्कृत के टीचर के नाते, या कभी आपके टीचर्स के कमरे में टीचर्स के बीच में वैदिक मैथमेटिक क्या है कभी चर्चा हुई होगी? नहीं महोदय, नहीं हुई। इसके बारे में मैं आप कभी कोशिश कीजिए ताकि क्या होगा अगर आप सबको भी काम आ सकता है, ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक के क्लासेस भी चलते हैं। यूके में तो ऑलरेडी कुछ जगह पे सिलेबस में है वैदिक मैथमेटिक। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का, तो वो संस्कृत से हमारे देश के जितने भी विषय हैं उनसे उनमें से कुछ तो भी परिचित करवाना, वैसा कभी आप कोशिश करें तो मैं ये बहुत अच्छी आपने बताया, मैं जाकर बताऊंगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको।